अनुराग मेमोरियल ब्रह्मशक्ति सेवा संस्थान की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आने वाले समय में आयोजित होने वाले सामूहिक व्रत बंध कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की गई। कार्यक्रम के आयोजक कौशलेश मिश्रा ने बताया कि लगभग 2500 बटुक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उक्त व्रत बंध का कार्यक्रम लक्ष्मण बाग में आयोजित किया जाएगा। जिन ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने 8 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों का व्रत बंध करना है, 24 जनवरी से पहले संस्था को अवगत करा दें। श्री मिश्रा ने बताया कि बड़े ही धूमधाम के साथ बटकों का व्रत बंध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। करें 22 फरवरी को 24 फरवरी को फाइनल कार्यक्रम करेंगे। रिहर्सल में हम सारे लोग इकट्ठा होकर देखें क्या व्यवस्था, कहां पर चूक हो रही, पानी है कि नहीं है, बटुक कहां बैठेंगे, लोग कहां बैठेंगे, माइक कहां लगेगा, इन सारी चीजों का तो रिहर्सल। 22 फरवरी में विषय इतना है केवल कि जो हमारे ब्रह्म शक्ति के साथी है वो एक ड्रेस कोड में आएंगे। अपना प्रयास है, अभिनव जी से चर्चा कर रहे थे कि कोई एक ड्रेस कोड सामूहिक रूप से जो कहीं बाजार में मिलेगा हम सबके लिए एकत्रित होके, पर्दानी कुर्ता या पर्दानी या कुछ और भी ऐसा चीज जो जिसपे ब्रह्म शक्ति भी लिखा रहेगा। तो ये अनुराग मेमोरियल सेवा संस्थान ब्रह्म शक्ति ग्रुप की बैठक है। 24 फरवरी 2023 को एक सामूहिक व्रतबंध कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है स्थानीय लक्ष्मण बाग सेवा संस्थान लक्ष्मण बाग मंदिर प्रांगण में। उसके लिए आज उसकी तैयारी की हुई बैठक है। ये हम सब लोग मिलकर 21 बटुकों का व्रतबंध कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उसी की पूरी तैयारी चल रही है कि कैसे कार्यक्रम हो, कहाँ पर हो, कौन कौन आए उस कार्यक्रम में शामिल हो। और एक जो समाज में कमज़ोर तबके के लोग हैं जो व्रतबंध जैसे बड़े कार्यक्रम को नहीं आयोजित कर पाने में आर्थिक भी उनको परेशानी आती है, उसकी वजह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हमारा सभी लोगों से अपील है कि हमें ऐसे लोग जो आवश्यकता वाले हों, व्रतबंध जिनके 8 से 14 साल के उम्र के बच्चे व्रतबंध जिनका न हुआ हो वो 24 तारीख के पहले हमको बता दें, जिससे हम उनको उस कार्यक्रम में शामिल कर लें और उनका व्रतबंध कार्यक्रम धूमधाम से होगा। ये कितने दिवसीय का कार्यक्रम है? ये एक दिवसीय कार्यक्रम है, व्रतबंध का एक ही दिन का कार्यक्रम है, सुबह से लेके शाम तक चलेगा ये कार्यक्रम। लगभग 2500 लोगों की भागीदारी की उम्मीद है। उस पर खाना पीना सारी व्यवस्था संस्थान की तरफ से रहेगी। ये कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? ये अभी तो अपना उद्देश्य रीवा जिला है, पूरे रीवा जिले के सारे विकास खंड से हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आएँ, पर कोई भी ब्राह्मण कहीं से भी आ सकता है और उस पर कोई हमको इतराज़ नहीं है। यदि वो सहमति देगा, बटुक लेके आएगा अपना, तो उसका व्रतबंध कार्यक्रम हम यहाँ धूमधाम से करेंगे।